हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया है कॉपीराइट के सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में कि आपके कॉपीराइट को अगर आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो किस किस वर्क को आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं, आपके लिए बेसिक नीड्स क्या होंगी, आप उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉपीराइट होल्डर्स के राइट्स क्या क्या होते हैं। मान लीजिए अगर आपने अपने कॉपीराइट वर्क को रजिस्टर्ड कराया है, कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत आपने उसका रजिस्ट्रेशन ले लिया है, उसके बाद आपके क्या क्या राइट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको आप क्या क्या केसेस कर सकते हैं अगर कोई आपके कॉपीराइट्स का इंफ्रिंजमेंट करता है। सबसे पहले जो राइट्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कॉपीराइट होल्डर्स के राइट को। सबसे पहला जो राइट होता है वो होते हैं इकोनॉमिकल राइट, और बेसिकली सेकेंड होते हैं वो होते हैं मॉरल राइट्स होते हैं। हम आज बात करेंगे इकोनॉमिकल राइट्स के बारे में। इकोनॉमिकल राइट्स में भी एक सब कैटेगरी है जो केवल होती है लिटरेसी वर्क, म्यूजिक और ड्रामेटिक वर्क के लिए। उनके राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कि अगर कोई लिटरेसी वर्क है और या ड्रामेटिक वर्क है तो उसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सबसे पहला आपका ये राइट होता है। हाँ दोस्तों, इसको कोई और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, केवल आप ही इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत कराया हुआ है। नेक्स्ट जो राइट होता है वो होता है राइट टू इशू कॉपीज होता है। दोस्तों, अगर आपने किसी तरह का ड्रामेटिक वर्क बनाया हुआ है, चाहे आपने किसी तरह का म्यूजिक बनाया हुआ है, या फिर आपने किसी तरह का कोई शो प्रोड्यूस किया हुआ है, या फिर आपने किसी शो को, कॉमेडी शो को बनाया हुआ है, तो आप उसकी कॉपीज इशू कर सकते हैं कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत। आपके पास ये राइट रिजर्व रहता है हमेशा कि आप अपने वर्क की कॉपीज किसी को इशू कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा राइट होता है वो राइट टू परफॉर्मेंस होता है। मान लीजिए कि आपने एक म्यूजिक वर्क है उसको तैयार किया है, आर्टिस्टिक वर्क है उसको तैयार किया हुआ है, तो आप अपना जो म्यूजिक है उसको कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं एज अ कॉपीराइट होल्डर, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल वर्क है और आपने उसको कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराया हुआ है। चौथा राइट जो हमारा दोस्तों होता है वो होता है सिनेमेटोग्राफी एंड रिकॉर्डिंग। उसी म्यूजिक वर्क को जो आपने पिछले अभी बात की हमने, उसमें आपने उसको परफॉर्म किया, उसको आप सिनेमेटोग्राफिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आपका कोई सॉन्ग है तो उसको आप प्लेबैक सिंगिंग के द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग के बाद उसकी कॉपीज भी आप इशू कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उसके लिए आपको बेनिफिट्स होते हैं, कुछ रॉयल्टी आपको दी जाती है जब तक कि वो सॉन्ग रहता है। इसके बाद होता है राइट टू मेक ट्रांसलेशन। दोस्तों, अगर आपने कोई बुक बनाई हुई है, कोई ऐसे बनाया हुआ है जिसको आपने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में केवल लिखा हुआ है, तो आप अगर कॉपीराइट होल्डर हैं तो आप उसके कॉपीज बनवा सकते हैं, और साथ ही साथ उसका ट्रांसलेशन सारे लैंग्वेजेस में करवा सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में जैसा आप स्पेसिफाइड करें उस लैंग्वेज में उसको आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट राइट होता है सेल करने का। हाँ दोस्तों, कॉपीराइट आपके एक एसेट की तरह होता है। अगर आपने किसी कॉपीराइट वर्क को अपने रजिस्टर्ड करा के रखा है तो आप उसे सेल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो उसको रेंट भी कर सकते हैं, सर्टिफाइड या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप उसे किसी व्यक्ति को दे भी सकते हैं। 5 साल हो सकता है, 1 साल हो सकता है, जैसा भी आपका कॉपीराइट का कॉन्ट्रैक्ट आपको परमिट करता है उसके हिसाब से आप उसको रेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए हमको, नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर जाके आप हमको संपर्क कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर बेल आइकन को दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।